नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। एक साथ तीन तलाक देने को गैर कानूनी बनाने वाले विधेयक पर लोकसभा में चर्चा आज। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे विचार और पारित करने का प्रस्ताव। 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान। राज्यसभा के एजेंडे में मानव तस्करों के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाला विधेयक। कानून को लागू करने और जांच के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी रोधी ब्यूरो का होगा गठन। पीड़ितों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास का भी प्रावधान। राज्यसभा की कार्यसूची में गज और तितली चक्रवात से नुकसान को लेकर ध्यानाकर्षण पर गृह मंत्री का बयान। लोकसभा के एजेंडे में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर नियम 193 के तहत चर्चा। क्रिसमस के अवकाश के बाद संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है और आज सत्र का 10वां दिन है। दोनों सदनों के एजेंडे में आज भी कई अहम विधायी कामकाज शामिल हैं। आज के विधायी काम की बात करें तो राज्यसभा में आज भी कई अहम विधेयकों पर विचार होना है। इनमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2018, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2018 और व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 शामिल हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नालंदा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव करेंगी। वहीं लोकसभा के एजेंडे में भी आज कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। लोकसभा में आज मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017, कंपनी संशोधन विधेयक 2018 और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय और मध्यस्थतम केंद्र विधेयक 2018 शामिल हैं। तलाक ए बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 आज लोकसभा के एजेंडे में है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा में अपने सांसदों को पूरे दिन सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। विधेयक पर चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष के बीच 20 दिसंबर को सदन में सहमति बनी थी। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसी साल 19 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यह गैर जमानत अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। बीते मॉनसून सत्र में राज्यसभा में विपक्ष ने लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को पारित नहीं होने दिया था, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश के जरिए इसे दंडनीय अपराध बनाने को मंजूरी दी थी और फिर पुराने विधेयक में कुछ बदलाव करके इसे 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया। और समय हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा का। पंचानन, आज 8 दिन के अवरोध की भेंट चढ़ने के बाद आज से सत्र के तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही है और हम देख रहे हैं कि दोनों ही सदनों में अहम कामकाज है। राज्यसभा में 4 विधेयक है, वहीं लोकसभा में 3 तलाक से जुड़ा बिल है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आश्वासन दिया था कि इस बिल पर 27 तारीख को चर्चा कराई जाए, जिसमें सभी पार्टियां हिस्सा लेंगी। ऐसे में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आज पंचानन? प्रीति, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, 5 दिनों के अवकाश के बाद, ब्रेक के बाद संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू हो रही है और 20 बैठकें कुल होनी थी, उसमें से लगभग आधा समय बीत चुका है। और जैसा कि हमने देखा था कि शुक्रवार को ही सभापति, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा था कि इन 5 दिनों का इस्तेमाल इस गतिरोध को तोड़ने में होना चाहिए, सरकार और विपक्ष के बीच में संवाद होना चाहिए और संसद की कार्यवाही या संसद जब दोबारा मिले तो कम से कम एक रास्ता निकलना चाहिए जहां से कई अहम बिल जो लगातार लंबित पड़े हुए हैं उनको पारित कराने में मदद मिले। तो इसी क्रम में राज्यसभा में हमने देखा है कि 4 बिल जो लगे हुए हैं वो पिछले 7-8 दिनों से लगते हुए चले आ रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि उनको पारित कराया जाए। लेकिन जो ज़्यादा आज जिस पे तवज्जो रहेगी लोकसभा में, क्योंकि पिछले 20 तारीख को ही ये जब कांग्रेस की ओर से और सरकार के बीच में एक सहमति बनी थी कि जो 3 तलाक से जुड़ा विधेयक है उस पर आज यानी 27 तारीख को लोकसभा में चर्चा होगी, तो आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बिल को यहाँ पर रखेंगे। अब क्योंकि इस पर विरोध लगातार कांग्रेस का बना हुआ है, कई बातों पर विरोध है। लोकसभा में ये पारित हो चुका लेकिन बाद में सरकार ने उसे संशोधन किया, कैबिनेट पे लाया गया था
और कई संशोधन के बाद इस पर क्लॉज जोड़े गए हैं और सरकार को लगता है कि इस पर अब बात बननी चाहिए। तो आज इस पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है और ये बिल रखा जाएगा लोकसभा में और बहुत चांसेस हैं कि भोजनावकाश के बाद ये बिल आएगा। तो अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस ने जो वादा किया था उसके तहत इस पर चर्चा हो पाती है या फिर इस पर कोई दूसरा पॉइंट या विरोध का कोई पॉइंट निकलता है। बिल्कुल, इस पर नजर रहेंगे और सरकार को पूरी उम्मीद है कि इसी सत्र में संसद से विधेयक पारित हो जाए। ऐसे में आज का दिन काफी अहम है, खासकर तीन तलाक से जुड़े बिल को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आइए बाकी कामकाज पर फिलहाल एक नजर डालते हैं। लोकसभा में आज चक्रवात गज और तितली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर भी चर्चा होनी है। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। लोकसभा सांसद भृतुहरि मेहताब और पी वेणुगोपाल देश के विभिन्न भागों खासकर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे गज और तितली चक्रवातों के खास संदर्भ का मुद्दा उठाएंगे। विभिन्न दलों के सांसद चर्चा के दौरान अपने विचार और सुझाव पेश करेंगे। लोकसभा के एजेंडे में ये 13 दिसंबर से शामिल है, लेकिन गतिरोध की वजह से चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। वहीं गज और तितली चक्रवातों के कारण हुए नुकसान से पैदा हालात और सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर ध्यानाकर्षण के जवाब में गृहमंत्री आज सदन में बयान देंगे। राज्यसभा में 18 दिसंबर को सांसद वी मैत्रेयन ने ध्यानाकर्षण के जरिए ये मुद्दा उठाया था। राज्यसभा में आज कई अहम विधेयकों पर विचार होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। उन्होंने 26 जुलाई 2018 को विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव पेश किया था। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में आज निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 पर विचार होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर विधेयक पर पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का और संशोधन किया जाना है। ये विधेयक भी लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा के एजेंडे में जनप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2018 भी शामिल है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा से विधेयक इसी साल 9 अगस्त को पारित हुआ था। विधेयक के जरिए जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन किया जाना है। इसके अलावा व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 पर भी आज राज्यसभा में विचार होगा। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक में तस्करी से जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी रोधी ब्यूरो के गठन का प्रावधान है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से स्टेट लेवल पर एक नोडल ऑफिसर तैनात करने और जिला स्तर पर एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स के गठन का प्रावधान है। विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नालंदा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को वापस लिए जाने का प्रस्ताव करेंगी। ये विधेयक 26 अगस्त 2013 को पेश किया गया था। लोकसभा में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होगा। लोकसभा में आज नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र विधेयक 2018 पर चर्चा की उम्मीद है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में आज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017 पर भी विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा लोकसभा में आज कंपनी संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होना है। कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली 2013 के कानून का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। अब बात दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनंत गीते भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। जितेंद्र सिंह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। कृष्ण पाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे।
सुदर्शन भगत जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। वीरेंद्र कुमार महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। बाबुल सुप्रियो भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। सत्यपाल सिंह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राज्यसभा में आज विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। सीपी ठाकुर रामकुमार कश्यप और संजय राउत सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। रामविचार नेताम और राम शकल कोयला और स्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। राज्यसभा में आज दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सदन में दिवंगत पूर्व सदस्य एन राजंगम और जय नारायण प्रसाद निषाद के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा जाएगा। बात प्रश्नकाल की, राज्यसभा में इस दौरान आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत विदेश मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद अनिल देसाई पूछेंगे, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की निरंतर आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए पिछले 3 साल में उसके खिलाफ क्या क्या दंडात्मक आर्थिक सैनिक प्रतिबंध लगाए हैं। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर का सवाल महिला और बाल विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या पिछले 3 साल के दौरान महिलाओं और बच्चों की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सांसद संजय सिंह का सवाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का ब्यौरा क्या है। सांसद आर वैद्यलिंगम का सवाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में गंभीर निशक्तता वाले लोगों को सरकारी सहायता प्रदान किए जाने के लिए कोई उपबंध है। सांसद महेश पोद्दार का सवाल भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, ऐसे कितने CPSE हैं जिन्होंने 3 साल या उससे अधिक अवधि तक की अपनी वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं। सांसद जावेद अली खान का सवाल विदेश मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने नॉर्वे के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेल मागने बोंदेविक की हाल ही में संपन्न जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर की यात्रा का संज्ञान लिया है। सदन में इसके अलावा कोयला संचार उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज भी इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।